गेमिंग गर्ल से मिलने के बाद एक चीज कहना चाहता हूँ अगले जन्म बी टी आई की जो सरकारी नौकरी की <laughs> गाड़ी मोटिवेशन में जल रहा हूँ मैं। मैं क्या ये जब वो कह रही थी ना मुझे बचपन से सपना था मुझे लेना है मुझे लेना है आई वाज लाइक मैं और आई विल भी सोचते थे हम, मुझे लेना है मुझे लेना है उसके बाद हम लोग जो है आंखों के नीचे काले गड्ढे लेके बैठे स्ट्रेस लेके बैठे हम लोग ठीक है बिना वक गवाए चलिए लगाते हैं तड़का और बुलाते हैं हमारे दो पहले स्ट्रीमर्स को ये भी गो सबसे पहले आई हैं गेमिंग गर्ल इन द ब्लू कॉर्नर पेप Right oh, <laughs> 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 बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं गेमिंग और दोनों ही the, like, best, famous, मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ जो पूरे प्लेटफॉर्म पे फिलहाल यहाँ पर चाह रहे हैं एंड यस yes, सबसे पहले लाइक like, हम जाने चाहेंगे गल, आप कैसी है मैं एकदम अच्छी आप बताइए आप कैसे हो Uh, मैं और भाई एकदम फिट एंड फाइन आज सबसे पहले तो इनके आ, जो व्यूअर्स हैं उनकी ओर से भी कुछ सवाल है हमारे पास तो वो भी आ, जो है हम इनसे जरूर पूछना चाहेंगे सबसे पहले गेमिंग गर्ल से हम पूछना चाहेंगे मोनिका जी यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश yes. उत्तर प्रदेश में कहा से हैं आप कहा हलबाड़ा सब ठीक हाँ, सब बढ़िया मैं नोएडा से हूँ अरे ओ बाई गॉड वेरी डेंजरस प्लेस वेरी डेंजरस प्लेस संभल के रहना प्लेसिल जी बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो है ही लेकिन यार देखिए हम बखूबी जानते हैं गेमिंग वाल को कि भाई ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक 1.5 पॉइंट फाइव से बुया पे हमारे साथ इवन दो लाइक आई थिंक मैं भी मैंने भी उसी टाइम पे ज्वाइन करा था तो हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साथ में ज्वाइन हुए थे सो ये आपका लाइक मैंने सुना है कि लाइक like, आप यहाँ पे जॉब भी करती हैं और फिर ऑब्वियसली स्ट्रीम तो हम लोग करते ही हैं तो इन दोनों ही चीज़ को बीच में मैनेज कैसे करते हो यार मतलब इतनी एनर्जी आती कहाँ से कि आप लाइक like, जॉब भी करके आ जाते हो और उसके बाद स्ट्रीमिंग भी हम लोगों को करनी होती है क्योंकि हमारी ऑडियंस भी तो है भाई एंटरटेन करने के लिए मेरे को ऑडियंस से इतना ज्यादा प्यार मिलता है ना मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं टायर हूँ मैं बस आती हूँ स्कूल से थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर मैं स्ट्रीम पे बैठ जाती हूँ मुझे बहुत मजा आता है एक्चुअली uh, एक पैशन है कि करना है ये मुझे करना है तो बस हो जाता है एंड <laughs> मैम <And laughs> वो जो पीछे गिटार रखा है क्या आप वाकई में बजाते हो हाँ मैं फ्री टाइम में बजाती हूँ लेकिन मैं अच्छा बिल्कुल नहीं बजाती हूँ आप मेरे से यह मत बोलना कि अभी लेकर आओ और बजाओ <laughs> गेमिंग गर्ल मस्ट भी भाई मैं तो इम्प्रेस हो गया भाई किस तरीके से इतने यंग एज में जो है आ, इन लोगों ने जॉब और उसके साथ गेमिंग करियर को मेंटेन किया जस्ट कमेंडेबल भाई

ऑब्वियसली ड्रीम ही रहता है भाई ऐसे ऐसी चीजें तो हमारे लिए कुछ नहीं बस फोकस करो जो आप वर्क कर रहे हो उस पर बस अपना हंड्रेड परसेंट दो धीरे धीरे चीजें आपको मिलती चली जाती हैं आपने रिसेंटली अपने जो बुया के स्ट्रीमिंग अमाउंट्स है उसमें से आपने नई व्हीकल ली है एम आई राइट एक्चुअली नॉट ओनली बुया मैं जो जॉब करती हूँ मेरी गवर्नमेंट जॉब है अच्छी खासी सैलरी है <laughs> तो मैंने दोनों से कम मतलब सेविंग करी एंड फिर मैंने टाटा हेरियर एक्स प्लस डार्क एडिशन ली लिया नहीं एक्चुअली मैंने अभी बुक किया है जस्ट आने वाला है और जैसे ही मेरे को आ जाएगा मैं ब्लॉग लेकर आने वाली हूँ थोड़ा टाइम लगता है।, <laughs> है मेरे पास भी है बस उसको पीछे खींचो तो आगे जाती है Oh. <laughs> कोई बात है कोई बात नहीं भाई होगा होगा एक दिन जरूर होगा हमारे साथ अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो और यहाँ पर अगर आप देखोगे एक ऐसे स्ट्रीमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने लाइक यहाँ पे जॉब के साथ साथ स्ट्रीमिंग चल रही है और एक ऐसे स्ट्रीमर है जो बहुत छोटी उम्र में लाइक पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे स्ट्रीमिंग और यूट्यूब और हर चीज मैनेज यहाँ पे कर रहे हैं तो इस चीज से आप खुद भी सीख सकते हैं कि बस देखिए सिर्फ और सिर्फ गेमिंग ही सब कुछ नहीं होता बाकी भी लाइफ में आपको बहुत कुछ अचीव करना होता है तो मेक श्योर अगर आप गेमिंग को अपनी करियर बना चाहते हो तो उसके साथ साथ आपके पास एक एक फर्स्ट प्राइमरी जो एक तरीके से प्लान जरूर होना चाहिए और अगर आपके तो पास तो पर अचीव हो सकती है और उसके बाद यहाँ पर काम कर रहे तो कहीं ना कहीं हर चीज में लाइक अपने को बैलेंस रखना यहाँ पर जरूर है तो बखूबी गाइज आप लोग भी बैलेंस रखो गेमिंग गर्ल से मिलने के बाद एक चीज कहना चाहता हूँ अगले जन्म हुए बिटिया टी की जो सरकारी नौकरी गाड़ी एक्चुअली ये सब मैं ना बचपन में ड्रीम देखती थी कि यार मेरे को लाइफ में ना सब कुछ खुद से लेना है खुद से लेना है मेरी फैमिली मतलब तो रिच है लेकिन मैं हमेशा कहती थी मेरी फैमिली रिच है मैं रिच नहीं हूँ तो मैंने बहुत मेहनत की मैंने बहुत स्ट्रगल किया पढ़ाई में भी बहुत स्ट्रगल किया और जब स्ट्रगल किया तो मैंने मेरे को लगा कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए उसके लिए मैंने टू थ्री ईयर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया एंड फाइनली मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिली और उसके साथ फिर मैं गेमिंग में आई तो मेरा कुछ ऐसा सीन नहीं था कि मेरे को कुछ इसमें आगे जाना जस्ट फॉर फन लेकिन भूया पे जब मैंने स्ट्रीम करना स्टार्ट किया तो भूया टीम ने मेरे को विद इन वन मंथ मैं यहाँ की ऑफिशियल स्ट्रीमर बन गई तो सब कुछ एक ड्रीम की तरह है लेकिन हाँ मैंने हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया मेरी कोई लाइफ नहीं रहेगी जैसे मैं इंजॉय मेरे सपने थे कि मेरे को घूमना फिरना मजे करने हैं वो सब मैं नहीं कर पाई लेकिन हाँ ठीक है मेरा काम है पूरा फोकस करती हूँ जुड़े साथ शेयर करा और अब हम लोग आपको मिलेंगे गेम के अंदर कि कैसा कुछ धमाल आप लोग गेम के अंदर मचाने वाले हो बस थैंक यू रॉकी थैंक थैंक यू थैंक यू सो रॉकी भाई कतई कतई ओपी भाई कतई ओपी मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रीमर्स मिलते हैं ना तो मोटिवेशन मिल जाती है यार मोटिवेशन में जल रहा हूँ क्या ये जब वो कह रही थी ना मुझे बचपन से सपना था मुझे लेना है मुझे लेना है आई वाज लाइक मैं और आई विल भी सोचते थे हम, मुझे लेना है मुझे लेना है उसके बाद हम लोग जो है आंखों के नीचे काले गड्ढे लेके बैठे स्ट्रेस लेके बैठे हम लोग ठीक है